लॉकडाउन के कारण मध्यम वर्ग की चिंताएं रोजी रोटी को लेकर बढ़ती जा रही हैं। पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत शाहतलाई पवन कौशल ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते आम जनजीवन जहां ठप हुआ है, जिसके चलते अधिकतर परिवारों के आय का साधन भी बंद हो गया है और आमजन को आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मेहनत मजदूरी, किसान, बागवान, बस ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर सहित दुकानदार, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लेबर व मीडिया के कर्मी, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक वर्ग इत्यादि अन्य कई आमजन जिनकी आय का साधन पूर्णतः ठप पड़ा है। सरकार को बिजली व पानी के बिल ऐसे लोगों के माफ करने चाहिए, क्योंकि कर्फ्यू के चलते इन मध्यम वर्गीय परिवारों का आय का साधन पूरी तरह ठप हो चुका है। कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इन मध्यम परिवारों और आमजन की इस समस्या को समझते हुए शीघ्र ही उचित निर्णय लेना चाहिए और आमजन के बिजली व पानी के बिल इस मुश्किल घड़ी में माफ कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मध्यम परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज के रूप में भी कोई मदद की जानी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में कई परिवार मेहनत मजदूरी कर रोजी रोटी प्रतिदिन कमाते हैं, दिहाड़ी लगाकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते आर्थिक तौर पर इन परिवारों पर संकट गहरा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवारों को, खासकर जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो दिन में कमाकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उन लोगों को इसमें काफी दिक्कत आ रही है। साथ ही में चाहे हमारे टैक्सी ऑपरेटर हो, ट्रक ऑपरेटर हो, बस ऑपरेटर हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, अन्य वकील हो, मीडिया कर्मी हो, जितने भी हमारे और ऐसे आमजन जिनका आय का साधन इस समय कुछ भी नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से जो पूर्णतया उनके आय के जितने भी साधन है वो कारोबार ठप पड़े हैं, उस कारण आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत तलाई पवन कौशल, अपील करता हूं कि वो बिजली के, पानी के जितने भी हमारे बिल हैं वो माफ करे, और साथ ही मैं इन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक पैकेज का भी घोषणा करे, ताकि इस संकट की घड़ी में आय के साधन ना होने के कारण कई परिवारों को, कई आमजन परिवारों को अपना जीवन निर्वाह करने में भी दिक्कतें दिन प्रतिदिन अब बढ़ रही हैं, क्योंकि जितने भी हमारे चाहे इससे दिहाड़ीदार हों, मिस्त्री हों, जितने भी लोग हैं वो, चाहे छोटे दुकानदार भाई हों या अन्य जो भी हमारे जो औद्योगिक जितनी भी हमारी इकाइयां हैं, उनमें जो भी हमारे मजदूरी करने वाले, लेबर करने वाले या कारीगर लोग हैं, सब घर बैठे हैं और इस वजह से सबको आज समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री से यही आशा भी चाहूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इन सारे मध्यम वर्गीय परिवारों की इस समस्या को देखते हुए शीघ्र ही बिजली और पानी के बिल तो माफ करेंगे करेंगे, साथ में अन्य इन परिवारों के लिए आर्थिक पैकेज भी देने की घोषणा करें। जय हिंद, धन्यवाद।